हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का अपने परिवार न्यू आकार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आए बहुत समय बीत चुका है, हालांकि अपेक्षाकृत समय ज़्यादा लग रहा है एग्जाम होने में, लेकिन जितना ही समय आपको मिल रहा है उसमें इधर उधर की बातें ना सोच के अपनी तैयारी को इतना पुख्ता कर दीजिए कि जब भी एग्जाम हो, ना केवल आपका सिलेक्शन हो, आप उस परीक्षा में अपना एक रैंक स्थापित करें। जैसा कि आपको पता होगा कि PET का एग्जाम हुआ था UP SSSC की तरफ से, और उसमें से अब आपको जो भी पेट दिए हुए हैं उनको लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर अब जितने लोग उसमें लेखपाल के लिए अप्लाई करेंगे, नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि उन्हीं लोगों को लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि उसमें से कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितने लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं में से जो भी संख्या वो निर्धारित करे आयोग वाले, कुछ बच्चों को जितने भी संख्या वहां पर निर्धारित की जाएगी उतनों को बुलाया जाएगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने के लिए। और अगर आपका परसेंटाइल ठीक ठाक आ रहा है, यहां पर कितने परसेंटाइल होने चाहिए इस पे बात करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि क्या हो जाएगा और कितने लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। अगर 3 से 4 लाख लोगों को क्वालिफाई कराया जाता है तो 80+ परसेंटाइल जिसका है जनरल में वो सेफ है, लेकिन अगर केवल 1.5 से 2 लाख को क्वालिफाई कराया जाता है तो फिर परसेंटाइल किसना किसका कितना जा सकता है इसको अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि अगर आपका परसेंटाइल 60%, 70% ये सब पे बैठ रहा है, तब भी आप थोड़ा थोड़ा तैयारी शुरू किए रहिए। जब भी शॉर्ट लिस्ट होके आपका नाम उसमें आ जाए तो आप बस अपनी तैयारी को थोड़ा धार दे दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस हर एग्जाम का समान होता है। मान लीजिए आप पढ़ाई अभी चालू किए हुए हैं और आपका उसमें नाम ना आया तो कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस आएगी अगर आप उस क्राइटेरिया एज में आ रहे हैं तो। उसमें नहीं आया तो और कोई वैकेंसी आएगी। पूछना यही है, यही मैथ आएगा हर जगह, यही रीजनिंग आएगी हर जगह, यही हिंदी आनी है हर जगह। यानी कि पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जानी है। आप ये सोचकर ना बैठे कि पता नहीं हमारा नाम आएगा कि नहीं, हम कहाँ पढ़ें। पढ़ना है, आप पढ़िए, ये कहीं से भी आपको नुकसान नहीं देगा, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देती है। तो लेखपाल के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए, जिसको इसके सिलेबस के बारे में अभी नहीं पता है, आज के बाद आपको पता हो जाएगा। और आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप बिना किसी रणनीति के ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको पूरा सागर है, सागर में से पूरा सागर नहीं पढ़ना है, आपको उसमें से एक तय करना है कि कितना आपके काम का है, कितना आपके काम का नहीं है, बाकी तो सिलेबस ब्रह्मांड है। तो आइए इसके सिलेबस पर चलते हैं। जैसा कि यहां पे नोटिस में दिया गया है, लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहां पे पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, आपकी परीक्षा एक पाली में होगी, ये बात इन्होंने यहां पे कह रखी है, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यहां पे जो इन्होंने कहा है कि परीक्षा एक पाली की होगी, और इस बार इन्होंने कहा है कि सभी बच्चों की परीक्षा हम एक ही पाली में करवा देंगे, लेकिन आगे नोटिस में फिर इन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो हम 1 से अधिक फेज में भी एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो उसके बाद परीक्षा योजना अगर हम देखें तो इसमें सामान्य हिंदी पूछी जानी है, गणित पूछी जानी है, सामान्य ज्ञान पूछा जाना है, और ग्राम समाज एवं विकास ये लेखपाल में अलग से पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। तो आइए इसमें एक एक करके क्या चैप्टर्स होते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने प्रश्न और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य गणित सामान्य हिंदी होगा वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और ग्राम समाज 25 क्वेश्चन 25 नंबर। यानी कि 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, हिंदी, गणित, GS और ग्राम समाज, और ये चारों 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होने की वजह से हमारा टोटल अंक होगा 100 अंक का, और निर्धारित समय हमको 2 घंटे मिलेंगे जो कि 120 मिनट होंगे। और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/4 होगा, यानी कि 0.5। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 1/4 यानी 0.25,
अगर दो नंबर का एक क्वेश्चन होता तो उसको 1/4 का मतलब 0.5 होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है यानी कि 0.25। तो अब हम चलते हैं कि सामान्य हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, गणित में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है और ग्राम समाज एवं विकास में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए इसके सिलेबस पे एक नज़र देखते हैं और हमारी न्यू आकार टीम की तरफ से आपको लेखपाल के लिए कंप्लीट बैच दिया जाएगा और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो कि एक स्थापित टीचर होंगे। ऐसे ही किसी से भी पढ़ लेना और उसके बाद अगर एक अपॉर्चुनिटी आपकी जाती है तो 2015 के बाद अभी 22 में आपको एग्जाम कब होगा ये नहीं पता है, यानी कि 7 साल 8 साल के बाद ये भर्ती आई हुई है और आप केवल इस वजह से कि सही गाइडेंस ना मिल सका और इसमें अगर फेलियर प्राप्त करते हैं तो फिर आप लेखपाल देने के लिए कब मौका पाएंगे और आपकी ज़िंदगी तब कहाँ पहुँची रहेगी, कुछ भरोसा नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस को। इसके सिलेबस में आपको ऊपर लिखा गया है कि उपरोक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग होगी और 1/4 यानी 0.25% की होगी। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1/4 माइनस मार्किंग होनी है। तो अब पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी पूछी जानी है। सामान्य हिंदी में बहुत ही छोटा सिलेबस है, इसको आप चाहें तो अपने मन से भी क्लियर कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे बैच से पढ़ेंगे तभी सफलता को प्राप्त करेंगे, आप खुद से भी सफल हो सकते हैं। बढ़िया से आप कोई किताब लीजिए और जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं उस पर गहन अध्ययन कीजिए। गणित के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप अगर कभी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप गणित खुद से समझ तो लेंगे लेकिन इतना समय लग जाएगा कि वो टाइम वेस्ट कहलाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक मिंटर की आवश्यकता होती है। तो आइए इसके सिलेबस को देखते हैं। सामान्य हिंदी में आपको समास पढ़ना है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव। ये तीनों जो हैं ये तो हमारे आते हैं वोकैब के सेक्शन में। वोकैब जो होता है, इंग्लिश में वोकैब कहा जाता है इसको, पर्यायवाची, विलोम और तत्सम एवं तद्भव। हालांकि इन पे भी ट्रिक वगैरह होती हैं लेकिन किसी ट्रिक से इसको याद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपी लेखपाल के तो आप डेली कम से कम 20 पर्यायवाची, 20 विलोम, 20 तत्सम तद्भव, यानी कि जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी है इसमें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। और आप इसको रोज कम से कम ना 20 तो 10 ही सही लेकिन डेली बेसिस पे याद करिए और डेली बेसिस पे इसका रिवीजन करिए। आज 10 याद किए तो कल जब 10 याद करें तो पिछले 10 का रिवीजन करें, यानी कि आपको इसको खुद से ही करना पड़ेगा, कोई टीचर आपको इसको करवाने वाला नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द भी आपको याद करने होंगे, आप इसको भी याद करिएगा। उसके बाद अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बहुत छोटा सा सिलेबस है हमारी हिंदी का और ये आपको 25 नंबर देके जाएगा 100 में, एक एक नंबर आपके बेस कीमती हैं। और इस 25 में अगर आप 23-24 ना लेकर आ पाए तो आप परीक्षा में स्थान नहीं बना रहे होंगे क्योंकि ये सब कर पाते हैं। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो फिर परीक्षा में आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने गणित, भयभीत करने वाला विषय, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपको उचित तरीके से इसके एक एक चीज को सर्व किया जाए तो इतना अच्छा टॉपिक है, यानी कि गणित ही एक विषय है जिसमें आप कह सकते हैं कि हम 100% अर्जित करेंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट में आप बताइए कि कोई आपको ये गारंटी दे पाए कि अगर 10 प्रश्न आता है तो आप 10 प्रश्न कर पाएंगे, ये विषय केवल गणित हो सकता है। गणित में हम दावा करते हैं आपको कि अगर यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा अगर आप पढ़ लिए तो आउट ऑफ 25 नंबर आप लाएंगे यूपी लेखपाल में। यूपी लेखपाल की तो बात छोड़िए, इतना अच्छे लेवल का आपको पढ़ा दिया जाएगा कि जितना चैप्टर इसमें दिया गया है इस चैप्टर को आपको दोबारा से पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आप एसएससी सीजीएल तक का भी एग्जाम देंगे। तो आइए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें अंक गणित एवं सांख्यिकी, पहले इसको डिवाइड किया हुआ है अंक गणित एवं सांख्यिकी, उसके बाद बीज गणित, उसके बाद रेखा गणित में। तो सबसे पहले आपको अंक गणित एवं सांख्यिकी देखना है जिसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है जो कि आप पढ़ते आए हैं बहुत दिनों से। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फिर आपको प्रतिशतता पढ़ना है, फिर लाभ हानि पढ़ना है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका बहुलक। केंद्रीय माप में आपको समांतर माध्य, माध्यिका बहुलक, ये सब पढ़ना है, सांख्यिकी वगैरह पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंक गणित एवं सांख्यिकी। अंक गणित में आप देख रहे होंगे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से ही दिए गए हैं, तो यहाँ पे बीज गणित लिख दिया है। अब इस बीज गणित का मतलब
ये नहीं है कि उसमें अगर लघुत्तम समापवर्तक लिख दिया तो अंक गणित का लघुत्तम समापवर्तक हम उसको समझ लें। हालांकि पढ़ लेने से कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले टू द पॉइंट आपको इसमें जितनी चीजें लिखी हुई हैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बीज गणित में देखें तो बीज गणित में हम देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्त और उनके संबंध, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है और उनके बीच के रिलेशन को पढ़ना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद दिख रहा है युगपत समीकरण को पढ़ाया जाएगा आपको। आप यहां पे इसको देख के घबराएं ना कि व्हाट इज युगपत, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, पूरा हिंदी, पूरा गणित, पूरा ग्रामीण प्रवेश और पूरी जीएस। तो फिर अगर हम देखें तो कह रहा है द्विघात समीकरण, फिर गुणन खंड क्षेत्रफल प्रमेय। इतनी ही बातें, छोटी छोटी बातें हैं ये बीज गणित में पढ़ने के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो रेखा गणित लिखा गया है। रेखा गणित में हमको क्या क्या पढ़ना है, रेखा गणित से इतना भयभीत किए हुए हैं लोग। रेखा गणित हालांकि बहुत ब्रॉड चैप्टर है, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए ब्रॉड है, ना कि आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए। इतनी छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ने में बहुत समय नहीं लगना है, बहुत निम्न स्तर की रेखा गणित आपको पढ़नी है। इतना तो एसएससी वालों को वैसे वर्बली रटा होना चाहिए जितना आपको टोटल पढ़ना है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज आयत वर्ग समलंब समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ लेना है, उसके बाद त्रिभुज आयत वर्ग समलंब समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, इतना लिखने के बाद एक बात लिखा गया है के परिमाप तथा क्षेत्रफल, यानी कि इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में ही हमको पढ़ना है। अब इस पे पीएचडी नहीं करनी है, हालांकि आप पीएचडी करेंगे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन उससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप पता चला समलंब समांतर चतुर्भुज में ही अटके हैं तो ये महाराज छूट जाएंगे, और जो कि सिलेक्शन में आपको बहुत भूमिका निभाने वाला है। एक एक नंबर 25-25 नंबर हर सब्जेक्ट दे रहा है, तो हर सब्जेक्ट को आपको बराबर वैल्यू देना है और बराबर समय देना है। और अब उसके बाद हम देखें तो बात आती है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान क्या होता है, कैसे पढ़ना है, इसको बताने के लिए आपके सामने आ रहे हैं जीएस के धुरंधर पवन मिश्रा सर। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग जीएस पोर्शन में क्या पढ़ना है, क्योंकि जीएस तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ना है उसको डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। सामान्य विज्ञान, ठीक है, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की क्या है घटनाएं, जैसे आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ, जैसे क्रीमिया का मैटर। अभी क्रीमिया का मैटर किसके किसके बीच में है, यूक्रेन और रसिया के बीच में। इजराइल की घटनाएं कैसे, इजराइल की घटनाएं लेबनान से, जॉर्डन से कैसे कैसे संबंधित है, और जितनी भी, जैसे गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट क्यों हाल में ही खबरों में था। राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय जो मेन घटनाएं हैं उसको हम लोगों को कवर करना है। भारत का इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के इतिहास में तो बहुत ब्रॉड है, हमें सब नहीं कि 16 महाजनपद हम लोग पढ़ने लगे, काशी कोसा लंगम का ध्वज जिमल छे ध्वज कुर पंचाल मसूसेन अश्वकवंती गंधार कंबुज, नहीं, हमको क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ना है वही पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। रोमिला थापर हमको पढ़ना है कि केसी श्रीवास्तव पढ़ने लगे हम, जे एम माली पढ़ने लगे, उसके बाद बिपिन चंद्रा पढ़ने लगे, तो इतने 200 किताब है, नहीं, हमको क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ना है उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ग्रामीण लेखपाल से कैसे रिलेटेड, कैसे ग्रामीण प्रदेश से रिलेटेड है ये। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें भी बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, सामान्य लेवल की। कैसे सीएचडी है, विश्व भूगोल और जनसंख्या, विश्व भूगोल में आप मैपिंग कर लेंगे तो लगभग लगभग भूगोल आपका क्लियर हो जाएगा,
कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनसंख्या का वितरण कैसे प्रभावी हो रहा है, जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी, कैसे कम होगी, यहाँ सिलेबस पे पूरा पढ़ना है, कहाँ कितनी जनसंख्या है इसको वितरण में देखना है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न और दैनिक अनुभव से प्रेक्षण से आधारित, दैनिक अनुभव प्रेक्षण से आधारित कैसे, सामान्य विज्ञान जैसे आपका कृषि से ले लीजिए, कैसे हम लोग दही में कौन सी एसिड पाई जाती, जो लोग हम लोग यूज करते हैं दैनिक अनुभव में, और सही सामान्य इसके, और किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा, मतलब कॉमन नॉलेज ऑफ साइंस, भारत के इतिहास के अंतर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक, आर्थिक पक्ष क्या है भारतीय इतिहास में, जैसे अंग्रेजों ने आया कैसे महालवाड़ी, कैसे रैयतवाड़ी, कैसे अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया, ये आर्थिक हुआ, सामाजिक कैसे हुआ, सामाजिक कैसे भारत के गांव की सिस्टम टूटी, कैसे वह शहरीकरण में भी हुई, कैसे भाईचारा में कैसे टूटी, कैसे ये है सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, कैसे हम लोग पैजामे से कैसे जीन्स पे आए, कैसे बाल कटवाने के नए नए हेयर स्टाइल बदले, कैसे कैसे प्रभाव पड़े, कैसे जनजातियों ने अपना खान पीन चेंज किया, खाना पीना पूरा कैसे चेंज किया, कैसे उनके लैंड कंसोलिडेशन पे इफेक्ट पड़ा, कैसे वो खेती करने लगे, कैसे झूम कृषि, कैसे बदलाव आया, ये टोटल हमारा सांस्कृतिक चेंज है। राजनीतिक पक्ष में कैसे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे, कैसे 1909 का माल्य मिंटो सुधार, 1919 का चेंसफोर्ड सुधार में कैसे कैसे राजनीति चेंज करते हुए, कैसे 1935 का अधिनियम में, कैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन में कैसे कैसे चेंज हुए राजनीतिक पक्ष में, कैसे हमें 1942 में अगस्त क्रांति, कैसे महात्मा गांधी के व्यू पहले सॉफ्ट से हार्ड होते गए, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन अंततः प्रारंभ हुआ, कैसे आज़ादी मिली 1947, ये है राजनीतिक चेंज में हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभ्यर्थि, ये टोटल हम लोग देखेंगे। राष्ट्रवाद का मुद्दे, राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे हम अपने राष्ट्र के प्रति अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठा हुए, पहले तो सब कैसे इंडिया था, कैसे यहाँ गुजरात, यहाँ आपका आंध्र कर्नाटक, यहाँ महाराष्ट्र, कैसे सब लोग अपने अपने, यहाँ मराठा थे, यहाँ कैसे पंजाब में, कैसे सिख, कैसे सब अलग थे, कैसे एक 1857 की क्रांति हुई, कैसे ये लोग एक में राष्ट्रवाद की धुरों में बढ़ते चले गए, तो ये है राष्ट्रवाद का विकास। कैसे रेलवे ने राष्ट्रवाद का विकास किया, कैसे रेलवे में जाते थे सभी धर्मों के लोग, आपस में बात करते थे, तो कैसे जातीय संकीर्णता समाप्त हुई रेलवे, तो ये सब देखेंगे कैसे राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। यहाँ से देखते हुए राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, भारतीय संविधान में क्या क्या मेन पॉइंट है क्योंकि वो देखना है। भारतीय राज्य व्यवस्था के नियोजन प्लानिंग कैसे, आपका पंचवर्षीय योजना है, कैसे कैसे आगे प्लानिंग करना है, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो संसाधन छोड़ना है, तो इसके लिए कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने, कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग किए जाए, इसमें नियोजन पे हम लोग देखेंगे जानकारी। विश्व भूगोल में जनसंख्या विषयों की समान जान परख होगी, हम लोग देखेंगे जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी, कैसे होगी, जैसे एक देख लेंगे मरुस्थल में कोई वहाँ कुछ उत्पादन होगा, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी नहीं, कहाँ होगा, नदियों की घाटी में जहाँ जलोढ़ मिट्टियाँ होंगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है, कैसे, ये है पूरा आप लोगों को विश्व की जनसंख्या में सामान्य जानकारी पूछेंगे। भौतिक परिस्थिति, आर्थिक कैसे जानकारी हुई, आर्थिक के कारण कैसे कैसे उसमें पड़ता है, जनमानकी इफेक्ट करता है आर्थिक कारण, कई बच्चे पैदा होते हैं कि कमाए खाने के लिए, उसमें जनसंख्या वृद्धि होते हैं, कैसे आर्थिक इफेक्ट पड़ता है, कैसे सामाजिक रूप से डिग्रेडेशन होता है, कैसे जनमानकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा, उसमें कैसे भौतिक कैसे पारिस्थितिकी का इफेक्ट पड़ता है, अधिक क्लाइमेट में क्यों आप भूमध्य रेखा पे अधिक संख्या नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पारिस्थितिकी इफेक्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा टेंपरेचर है, इतने ज्यादा उमस है, यहां जनसंख्या ज्यादा नहीं होगी, और क्योंकि यहां आर्थिक दोहन, इतने बड़े जंगल है, आर्थिक दोहन संभव नहीं है। ये सब होते हुए
उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में कहाँ क्या पाया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस लिए फेमस है, हर जिले किस लिए फेमस है, कैसे फिरोजाबाद की चूड़ी, कैसे अलीगढ़ किस लिए फेमस है, कैसे सहारनपुर ही मेरठ ही लकड़ी के लिए प्रोडक्ट है, कैसे सहारनपुर ही हम लोग देखेंगे फेमस है लकड़ी प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि सहारनपुर देखेंगे यूपी के नॉर्थ में है, एकदम उत्तराखंड से लगे हुआ, तो यहाँ क्लाइमेट ठंडी होगी, तो यहाँ जो लकड़ियाँ पाई जाएंगी वो नरम होंगी, तो कागज उद्योग कहाँ फेमस होगा, सहारनपुर में होगा। तो इसके अनुसार देखेंगे कैसे कैसे उत्तर प्रदेश विशेष जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, कैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग कॉन्सेप्ट बेस रटेंगे नहीं पूरा समझते हुए, जैसे ये यूपी है, यूपी में किधर से, अगर बंगाल की खाड़ी से ये पूर्वैया पवन आ रही है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, पूरे क्षेत्र में, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, इसलिए गोरखपुर में सबसे ज़्यादा यूपी में वर्षा होती, इसलिए मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट रटेंगे नहीं, समझते हुए देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। और कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, और ग्रामीण मेन पार्ट ये है, ग्रामीण ग्राम विकास समाज में ग्राम विकास कार्यक्रम का, ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए सरकार ने क्या क्या गाँव के विकास करने के लिए चलाए हैं, गाँव के विकास कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हाउ टू कनेक्ट मंडीज टू इंडियन फार्मर्स, तो कैसे मंडी से किसानों को जोड़ने का कार्यक्रम है, कैसे क्या क्या इसमें एक प्रोग्राम है जिससे विकास हो, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास योजनाएं क्यों चलाए हैं, जैसे कि कौन कौन सी योजनाएं क्यों इफेक्ट पड़ेंगी, क्यों कौन सी वैसे योजनाएं तो हजारों हैं, कितने आप लोग ने, कौन सी ग्राम विकास योजनाएं से रिलेटेड है, जैसे आप लोग वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसे प्रधानमंत्री जनधन कैसे अकाउंट से जुड़े, कैसे वित्तीय समावेशन हुआ गाँव का, ये हुआ क्या, प्रधानमंत्री आयुष योजना जो कि हम लोग स्वास्थ्य योजनाओं में पढ़ेंगे, कैसे स्वास्थ्य योजना, कैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए गोरखपुर में ही मच्छर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है कि वहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस बड़ा होता है, अब जापानी इंसेफ्लाइटिस हम गाजियाबाद में नहीं स्टार्ट करेंगे, गोरखपुर में ज़्यादा है वहीं स्टार्ट करेंगे, राज्य की विशेष की ये देखते हुए हम लोग ग्रामीण विकास को देखते हो, ग्राम विकास में भूमि सुधार, भूमि सुधार ऐसे नहीं आएगा कि आप मेड़ बना दिए भूमि सुधार हो गए, भूमि सुधार अंग्रेजों की क्या समस्या थी, कैसे बिचौलिया आए थे, कैसे हदबंदी हुई, कैसे ज़्यादा लोगों के पास जमीन आया, कैसे अंग्रेजों कैसे इसमें ग्राम सुधार, कैसे लैंड कुछ ही लोगों के पास हुआ, कैसे उसमें लैंड कंसोलिडाइजेशन क्यों, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है, कैसे राज्यों के बारे में राज्य ने भूमि सुधार सही से, हर राज्य असम में यहाँ बंगाल में क्यों नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ, भूमि सुधार के ही वजह से कोई राज्य ने अच्छा किया क्योंकि भूमि राज्य का विषय है, कोई ने अच्छा नहीं किया, तो देखेंगे हम लोग बिचौलिया का अंत कैसे हुए, हदबंदी क्या है भूमि सुधार में, कैसे हम लोग भूमि सुधार में, और देखेंगे कहाँ लवणीय मृदा है उसको क्या कैसे सुधारेंगे, उसके बाद हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज देखेंगे, कैसे राजस्थान के नागौर में 1952 में पंचायती राज स्टार्ट हुए, आगे डेवलपमेंट हुए, 73वां संविधान संशोधन 1992 में कैसे त्रिस्तरीय हो गया उसको बनाते हुए, केंद्र राज्य सरकार को ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, केंद्र की क्या क्या योजनाएं हैं, राज्य की क्या क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो ये रहा टोटल ग्राम विकास, ऐसे सभी पुस्तकों का निचोड़ मिलेगा इसमें, आप 200 पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, क्या निचोड़ वास्तव में पढ़ना है ये देखना है हम लोग, बस यही रहा आपका सिलेबस। तो आप इसके सिलेबस को पूरा जान चुके होंगे, और इसके लिए विधिवत एक एक क्लास, गणित की अलग, हिंदी की अलग और ग्राम समाज की अलग आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और ग्राम समाज जिसको ग्रामीण समाज कहा जाता है इसकी क्लास कल या परसों में आपको पहली क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर, और आप इसको देखेंगे कि यूट्यूब जगत में जितने भी लोग बताए होंगे उससे कहीं अलग क्लास होगी ये, ग्रामीण परिवेश आपको एक नए तरीके से देखने को यहाँ पर मिलेगा, और बाकी मैथमेटिक्स और हिंदी और इसमें सामान्य ज्ञान में तो कई सब्जेक्ट हैं, इनके विषय विशेषज्ञ आपको मार्गदर्शन करेंगे, तो आप लेखपाल के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, न्यू आकार की टीम आपके लिए एकदम जी जान से लगी हुई है, नए नए वीडियोज आपको लगातार मिल रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।